हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। चलिए, आप सभी के बीच आ चुका हूँ लाइव। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रखा था कि जो सेशन होगी है ना 10 बजे वाली, उसमें हम सब जो करने वाले हैं वो मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो कि इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो क्वेश्चंस होंगे जीके की और जीएस की। यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है वो आपका मिलेगा साइंस का, और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल नॉलेज की। तो आप सब फटाफट लाइव आ जाइए, जिसके बाद हम सेशन को शुरू करते हैं। आदित्य, देखिए आज एक्चुअल में हमारे यहाँ लाइट इशू थी, ट्रांसफार्मर को चेंज किया जा रहा था, इस वजह से लाइट नहीं थी, तो इस वजह से 7:30 वाली क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो कि कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा आप सब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? वो कौन सा विटामिन है? तो जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन डी। यानी कि यहाँ जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, विटामिन डी जो है वह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। यदि अवशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैल जाएंगी? चलिए क्वेश्चन नंबर टू का यहां पे आंसर कीजिए फटाफट। और देखिए, आप सभी से उम्मीद करता हूं आप सबका सपोर्ट मिलेगा लाइक के थ्रू। तो देखते हैं कितने लाइक आप सब करते हैं सेशन को। आप सबसे एक्सपेक्टेड लाइक से 200, देखते हैं कितने लाइक आप करते हैं सेशन के दौरान। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर आ रहा है टाइफाइड, जो कि आंसर सही रहेगा। आंध ज्वर इसको टाइफाइड बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, टाइफाइड इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किस में मौजूद है? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का यहाँ पे आंसर क्या रहेगा फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, और सेशन को आप ईमानदारी से लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो, नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा। लाइक करने वाले को भी धन्यवाद और डिसलाइक करेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि गुप्ता, बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत ही वैसे शख्स थे जो कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे और अपनी जो सफलता है खुद की बुनियाद पर रखा था। लेकिन चीज़ें जो होती हैं, सिचुएशन जो होती हैं, वो इंसान को कभी कभी कमज़ोर बना देती हैं, और वही चीज़ें उनके साथ हुई हैं। वो टाइम टू टाइम पता चलेगा आखिर रीजन क्या रहा था, लेकिन अभी तो हमें पता नहीं है, है ना। चलिए यहाँ पे आंसर बताइए। देखिए, हम लोग क्या देखते हैं ना, कोई सफल इंसान है तो उसके पीछे की जो सफलता उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी उसके कितने दर्द होते हैं उस चीज़ को हम नहीं देख पाते, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, हर एक इंसान जो है ना सफल होता है या असफल होता है, हर एक के पीछे एक दर्द होती है। चलिए बताइए, छिछोरे में उन्होंने एक ऐसा अच्छा मैसेज दिया था लोगों को कि इतनी भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो, उससे लड़नी चाहिए, गिव अप नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज खुद उस इंसान ने कर ली, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा। चलिए चीज़ों को हम यहाँ पे आंसर पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए और यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका मटर, पी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। नाइट्रोजन नियतन एक प्रक्रिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। चलिए चलिए नाइट्रोजन नियतन एक प्रक्रिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। थोड़ा फास्ट आंसर कीजिएगा आप सब। ठीक है, फास्ट क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है,
आणविक नाइट्रोजन से अमोनिया में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ मॉलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, कन्वर्जन ऑफ मॉलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो सभी लोग अपने आंसर को मैच कीजिए, और सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो आप सब चीज़ों को सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम सब, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया? चलिए बताइए, कौन सी पुस्तक में उसने अपना जो सिद्धांत प्रस्ताव है उसको दिया? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सभी लोग कोशिश कीजिए आंसर करने का। ठीक है, ऑप्शंस वाले तो हैं आपके लिए, तो आपके लिए तो ईजी है, लेकिन कोशिश कीजिए, है ना, तुक्का मत लगाइए, जो चीज़ें जानते हैं उसको यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि शॉर्टकट कोई भी सफलता का मार्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एकेसिया अरेबिका जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका बबूल। क्या रहेगा, बबूल। ठीक है, भारती गुप्ता, वेरी गुड, बबूल इज द राइट आंसर। ठीक है, बबूल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैनिस उल्पस किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, लोमड़ी, फॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा, कैनिस उल्पस जो साइंटिफिक नेम है वो किसका है, फॉक्स का है, लोमड़ी का है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का इलाज करने के लिए कौन सा हम मेडिसिन का यूज करते हैं? चल फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा मेडिसिन का हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन में? उच्च रक्तचाप से अगर कोई ग्रसित है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, हाइड्रालिजिन। ठीक है, हाइड्रालिजिन जो है इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा, हाइड्रालिजिन जो है इसका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन, हाइपर हाइड्रा, याद रखिएगा, हाइपर हाइड्रा, चीज़ों को आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं, हाइपर हाइड्रा। ठीक है, हाइपर हाइड्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, चुकंदर यानी बीट का जो पौधा है उसका कौन सा हिस्सा हम सब खाते हैं? चलिए बताइए, या कौन सा हिस्सा है वो? ठीक है, मुख्य जड़ है, बाही है, स्टेम का बल्ब है, या राइजोम है, क्या है वो? जो चुकंदर बीट का पौधा होता है वो क्या होता है? चलिए, स्टेम यहाँ पे आंसर आ रहा है, रूट आ रहा है। चलिए और लोग आंसर कीजिए फटाफट, बहुत कम लोग आंसर करते हैं यार, आप सब थोड़ा आंसर किया कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका मुख्य जड़। क्या है? टैप रूट है। क्या है? टैप रूट है। ठीक है, बहुत अच्छा, जिन लोगों ने टैप रूट बोला उन सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छा, कीप इट अप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई जो है वो क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या है? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे सही आंसर रहेगा जीन। क्या रहेगा? जीन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है?
निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की जो वृद्धि होती है वो स्लो होती है, धीमी होती है? चलिए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए, एकाग्रता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो गया है, 12 हम लोगों को देखा था, अभी 11 यहाँ पे आपका है। एकाग्रता ढाल के खिलाफ सेल की आवाजाही को क्या कहा जाता है? देखिए, मोमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? देखिए, जो मोमेंट होता है सेल का किसके अगेंस्ट? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है, ठीक है, अगेंस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है आपका सक्रिय ट्रांसपोर्ट। क्या कहता है? कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है? मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? कौन से एंजाइम के द्वारा ये पचाया जाता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। रेनिन यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? रेनिन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेनिन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा, कीप इट अप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 है, भैंस के दूध की औसत वसा सामग्री क्या है? ठीक है, व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क, यानी भैंस का जो दूध होता है उसमें कितना वसा होता है? आपको पता है कि गाय की अपेक्षा इसमें ज़्यादा वसा मिलता है, फैट ज़्यादा होता है, तो तकरीबन कितना फीसदी होता है इसमें, वही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सेंस जो रहेगा वो रहेगा 7.2%। 7.2% यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन ई यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग होना किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए फटाफट, प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका केसीन। क्या रहेगा? केसीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए, अब आते हैं राउंड टू की तरफ। ठीक है, राउंड टू की तरफ आते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सब? रेडी हैं आप सब? तो जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, श्याम बाबू कैसीन होगा। ठीक है चलिए चलिए आगे चलते हैं राउंड टू की तरफ। और पहला क्वेश्चन, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है वो किससे संबंधित है? चलिए पहला क्वेश्चन आपका राउंड टू का, डायलिसिस किससे संबंधित है? बहुत कम लोग जुड़ते हैं सेशन के साथ। चलिए, अब लगता है मुझे वैसे क्वेश्चन लाने होंगे जो कि आपके सभी जगह चलते हैं, तभी आप सबको पसंद आएगा मुझे लग रहा है। अच्छे कंटेंट आपको नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा किडनी। क्या रहेगा? किडनी। ठीक है चलिए, अगला प्रश्न देखिए, रक्त से यूरिया कहाँ अलग होता है? ब्लड से यूरिया जो होता है, सेपरेट जो होता है, वो कहाँ पे होता है? चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर? रक्त से यूरिया कहाँ अलग होता है? प्लीहा यहाँ पे आंसर आ रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग किडनी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका किडनी। ठीक है, रक्त से यूरिया कहाँ अलग होता है? किडनी में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, यानी किडनी के द्वारा जो पर मिनट ब्लड का फ्लो होता है औसत, वो कितना होता है? तो कितना होता है? तो होता है 1200 सीसी। ठीक है, कितना होता है? 1200 सीसी। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा सही? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब गुर्दे कार्य करने में विफल हो जाता है तो इसमें संचय होता है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का।
तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, यानी रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ संचय होता है। अगर आपके गुर्दे यानी कि आपका जो किडनी है वो कार्य करने में विफल हो जाता है तो रक्त में आपका नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का संचय होने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है डायलीजर का उपयोग किसके काम के लिए किया जाता है, डायलिसिस डायलीजर है ना। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका किडनी। ठीक है, डायलीजर डायलिसिस याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। मानव गुर्दा में पथरी के बनने के लिए निम्न से कौन सा जिम्मेदार है। ठीक है, बताइए। जो आपका किडनी स्टोन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह सही रहेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट इज द राइट आंसर। जो पथरी हम सब कहते हैं ना जनरली, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। मानव शरीर में कौन सी संरचना में या कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। आप सब देखते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है, अपेंडिक्स होता है ना। तो अपेंडिक्स जो होता है वो कौन से संरचना से जुड़ा होता है, किससे कनेक्ट रहता है, तो होता है किससे, बड़ी आंत से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से। किससे जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या कह रहा है। न्यूट्रोस्टेटिकल वे उत्पाद हैं जिसमें होते हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर एट सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका पोषक तत्व और औषधीय, ठीक है, अभाव या प्रभाव कह ले। ठीक है, प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखिए। साइनोकोबालमीन क्या है, साइनोकोबालमीन जो है वो क्या है। लगता है आप सबको सेशन पसंद नहीं आ रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ने के बजाय कम हो रही है। तो चलिए हम बहुत ही जल्दी सेशन को वाइंड अप करेंगे, पूरा हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। मैं आज लाइट की इशू थी, मैं सोचा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं चलो 10 PM वाला करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप सबका सपोर्ट देखिए कितना मिलता है मुझे, तो ज़्यादा लेट नाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। संख्या बढ़ेगी क्या, उल्टा घटता है, तो यानी कि पसंद नहीं आता है, तभी तो ऐसा होता है। चलिए, साइनोकोबालमीन का मतलब है विटामिन B12। क्या है, विटामिन B12। ठीक है, सुनहरा पावर आप देख पा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 37 मात्र है, तो यानी कि सेशन पसंद नहीं आ रहा तभी तो इतने लोग कम है, 50 से 38 आ जा रहे हैं, यानी कि बढ़ने के बजाय नीचे आ रहा है, यानी कि आपको पसंद नहीं आ रहा सेशन, साफ यहाँ पे पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है, कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। बिल्कुल सृष्टि गुप्ता, आप सही बोल रही हैं, पसंद नहीं आ रहा तभी लोग नीचे जा रहे हैं। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है। बताइए फटाफट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका विटामिन B12। ठीक है, जिसको हम साइनोकोबालमिन कहते हैं, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है। कौन से खाद्य में प्रोटीन प्रचुर होता है। यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, ग्राम, पी, सोयाबीन, वीट, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो सोयाबीन है उसमें आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है, और सोयाबीन की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, MP में होता है। कहाँ होता है, MP में होता है, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक कड़ी मेहनत करने वाली व्यक्ति द्वारा आवश्यक दैनिक ऊर्जा कितनी होती है, डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाई अ हार्ड वर्क मैन इज।
कितना उसको रिक्वायर्ड होता है, कितना उसे रिक्वायर्ड होता है भाई, चलिए बताइए फटाफट। तो उसे कितना रिक्वायर्ड होता है, तो उसे होता है 4000 किलो कैलोरी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, चलिए हाय राहुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। तत्व जो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है, चलिए बताइए। थर्टीन का आंसर कीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा, तो क्या है वो है आपका फास्फोरस। फास्फोरस इज द राइट आंसर। और फास्फोरस को किस में रखा जाता है, फास्फोरस को किस में रखा जाता है, चलिए कमेंट कीजिएगा आप सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा फल लोहे का समृद्ध स्रोत है, लोहे का मतलब लोहा समझिए, आयरन। ठीक है, आयरन का, बिल्कुल किरोसिन में, चलिए बहुत अच्छा, बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। कौन सा फल है जो कि लोहे का समृद्ध स्रोत है या सोर्स है, जिसमें आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका करौंदा। करौंदा इज राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सबसे अच्छा सोर्स है आपका, वैसा फल है जिसमें कि आपका क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। चलिए अब राउंड थ्री की तरफ आते हैं। ठीक है, राउंड थ्री की तरफ बढ़ते हैं और राउंड थ्री से जुड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चंस को देखिए और आंसर कीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो होगा सही आंसर क्या, राजा राम मोहन राय। क्या होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए 1828 में द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर इसे स्थापित किया था, कल भी हमने आपको बताया था। ठीक है, ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था, ये भी हमने आपको कल बताया था। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो ब्रह्म समाज की विभाजन के उपरांत आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज जो है उसी से विभाजित होकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और ये किसके द्वारा किया गया था, आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1875 में, और किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, चलिए फटाफट आंसर कीजिए, यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, सुनहरा पवार। क्वेश्चन को आप देखो सही से, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा एनी बेसेंट। सही है या नहीं है, यहाँ पे सभी लोग, जिन लोगों ने, ठीक है, सरोजिनी नायडू किया, उन सभी का आंसर गलत है। आप लोग कैसे आंसर करते हो, सुनहरा पवार वेरी गुड, बहुत अच्छा, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता पूर्व आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पे भारतीय की बात नहीं हुई, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट है, कौन थी, एनी बेसेंट थी, है ना। ठीक है, कैसे गलत है, कौन बोले, रानी आकांक्षा, कैसे गलत है बताइए। आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, अगर वही पूछता कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो होता सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन को आप सही से देखिए, क्वेश्चन को सही से नहीं आपने पढ़ा, इसी वजह से आपने यहाँ पे गलती किया है। सुनहरा पवार अगर मैं बोल देता आपका सही है ना, तो फिर उसी को ट्रेंड बनाकर लोग उसी को आंसर करने लगते हैं ना। चलिए
और देखिए चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि श्रीमती एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था 33वां अधिवेशन और इसी में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। देखिए जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। ठीक है, रानी आकांक्षा अभी भी आप क्वेश्चन को नहीं समझी हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का ही राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, उसमें ये ना पूछा है कि कौन सी भारतीय महिला थी, ये नहीं पूछा है। ठीक है, अगर वो पूछता तो सरोजिनी नायडू होता। क्वेश्चन को आप सही से समझिए। ठीक है, देखिए नीचे में हमने आपको फैक्ट में दिया भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलिए बताइए, आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर यहां पे क्या रहेगा, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्वामी विवेकानंद। क्या रहेगा, स्वामी विवेकानंद। देखिए दयानंद कहाँ से आ गए, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अमेरिका के शिकागो में, ठीक है कहाँ, अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित हुआ था विश्व धर्म महासभा, और इसमें भारत की तरफ से जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। और चीज़ों को मैं बता दूं कि भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने अपने दादे से सुना था, ठीक है, और चीज़ों को मैंने कहीं पढ़ा भी था, ठीक है, कि क्या था कि जब 1893 में वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उस समय क्या था कि हमारा जो वेद है ना उसको सबसे नीचे रखा गया था। ठीक है, वहाँ पे जितने भी ग्रंथ थे उसको धर्म का ग्रंथ ही था, ठीक है, एक था धर्म महासभा ही था, तो हमारे ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया था। ठीक है, और लोगों का जो परिप्रेक्ष्य था वो था कि हम इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने कि हमारा जो वेद है वो ऐसा वेद है कि सभी देशों का जो धर्म का जो ग्रंथ है या फिर जो धर्म उपदेश के लिए जो यूज करते हैं उन सभी का बेस आधार है, उन सभी को उसमें समाहित किए हुए है, सभी को उस अपना ऊपर रखे हुए है ना, तो ये बेस जो था हमारा वेद था उसके ऊपर सभी रखे थे, तो हम लोग की जो वेद है वो काफ़ी अहमियत रखती है क्योंकि सभी विश्व के जो है ना वेद हैं या जो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर धर्म के अकॉर्डिंग चलती हैं उन सभी का आधार है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? चलिए कोलकाता, मद्रास, मुंबई या फिर दिल्ली, बताइए। कहाँ पे किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था आपका मुंबई में। कहाँ पे किया गया था, मुंबई में। ठीक है, और देखिए चीज़ों को मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम थे, है ना, इतना तो आपको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। मुंबई में कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? चलिए ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए, ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए, और सेशन को लाइक भी करते चलिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आप सभी का डफरीन, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो डफरीन रहेगा। ठीक है, लॉर्ड डफरीन इज द राइट आंसर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान जो गवर्नर था वो था कौन, लॉर्ड डफरीन।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा, और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा, और इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 72। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए अब यहाँ क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा इंदिरा गांधी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी इंदिरा गांधी। देखिए यहाँ पे भी आप लोग कैसे आंसर कर रहे हो, सरोजिनी नायडू कैसे हो जाएगा यार बताइए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया तो है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू नहीं। अच्छा कितने लोगों को कन्फ्यूजन है यहाँ पे बताइए, कितने लोगों को कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कितने लोगों को है। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी बताइए, कब बनी थी इंदिरा गांधी। राइट है मुझे पता है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कब बनी थी। याद रखिएगा 1959 में, कब 1959 से 1960 में बनी थी। ठीक है, 1959 से 1960 तक रही थी, और फिर उसके बाद 1978 से फिर से अध्यक्ष बन गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1959 में बनी थी और 1960 तक रही थी। ठीक है, 65 के बाद नहीं यार, 1959 में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का अल्प समय के लिए 1959 में पार्टी अध्यक्ष बनना था, बनी थी। ठीक है, और लगभग 20 साल बाद 1978 में वो दूसरी बार अध्यक्ष बनी, और 31 अक्टूबर 1984 तक अध्यक्ष पद पर बनी रही। ठीक है, और 1984 में ही उनका डेथ भी हुआ था, आपको पता है। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, ये भी आपको पता है। ठीक है, दो चीज़ों को याद रखिएगा। दो देखिए यहाँ पे मैं आपको जो डाउट हो रही है थोड़ा क्लियर कर दूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो नो डाउट एनी बेसेंट होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ठीक है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में पहली ठीक है पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी तो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। स्वतंत्र काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चलिए चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फटाफट बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, फटाफट आंसर कीजिए आप सब। जे बी कृपलानी यहाँ पे आंसर आ रहा है आप सभी का, जो कि बिल्कुल सही है, जे बी कृपलानी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, 1946 में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55वें अधिवेशन में जे पी कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया था, और स्वतंत्रता के बाद भी इस पद पर वो बने रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के 56वां अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और सबसे लंबे समय तक यानी कि 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर बने रहने वाले जो रिकॉर्ड कायम किया है वो है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो स्वतंत्रता से पहले यानी 40 से 46 तक इस पद पे काबिज थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, देखिए सुजीत कुमार थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आपकी बहन भी यहाँ पे हैं, है ना, सभी लोग आपकी बहन ही हैं, समझ जाइए, फिर आप अपनी बहन से कैसे बात कर सकते हो आप समझ सकते हो। ठीक है,
तो ये आपके संस्कार को झलकाएगा, दर्शाएगा कि आपका संस्कार जो है क्या मिले हैं, कैसे आप अपने बहन से अपने सिस्टर से बात करते हो। तो आप सोच समझ के कुछ भी चीज़ों को यहाँ पे रखिए, ठीक है। किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, ये आपके संस्कार को झलकाता है। चलिए ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। चलिए सभी लोग फोकस कीजिए स्टडी पे, ठीक है। अगर आपको अपने समय को यूटिलाइज करना है तो, अदरवाइज बहुत समय आपके पास है समय बर्बाद करने के लिए, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे, बताइए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो कब किया गया था ये? एक किया गया था आपका 7 अगस्त 1905 को। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। देखिए 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई थी, ठीक है। और ये जो सभा हुआ था उसमें सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित करके स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली को देश की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? दिल्ली को देश की राजधानी बनाने की जो घोषणा है वो कब किया गया था? चलिए चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, फटाफट आंसर कीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पे 1911 आप सभी का आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। 1911 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके फैक्ट देख लीजिए। दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाने की घोषणा हुई थी, ठीक है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी, ठीक है। और ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम, ठीक है। भारत की आगमन इनका कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। और उनके समय में बंगाल विभाजन को रद्द करके राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 1916 तक रहा था, उसके समय में 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो यहाँ पर चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है लोगों में, है ना। अभी सिंह वही जो मैं बता रहा हूँ आप पहले ही ऑब्जेक्शन लगा देखिए। मैंने क्या कहा कि ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनका जो भारत आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। और उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो कोलकाता राजधानी थी उस वक्त उसको कहाँ पे शिफ्ट करना था? दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा किया गया। लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया, जो बनाया गया, लागू जो किया गया, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान यानी कि 1910 से 1916 के समय 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। चीज़ों को आप क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। तो यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। घोषणा यहाँ पे घोषणा ही पूछा ना, तो इससे 11 हमने टिक किया यहाँ पे। घोषणा 1911 में हुआ लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? 1912 में, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखिए। निम्न से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? कौन है जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, नाना साहब। चलिए बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे नाना साहब सभी का आंसर आ रहा है, तो सही आंसर जो रहेगा वो नाना साहब रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी लोग यहाँ पे जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव, ये सभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य थे, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की जो स्थापना है ना वो 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अनेक युवाओं ने मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए और याद रखिएगा, नाना साहब 1857 की क्रांति से संबंधित थे, ना कि सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको सेशन पसंद आएगा, ठीक है। चलिए जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से आप सभी सपोर्ट करते हैं सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? रमन इफेक्ट डील विथ द लाइट रेज पासिंग थ्रू, केवल तरल, केवल प्रिज्म, केवल हीरे या फिर सभी पारदर्शी माध्यम से? चल सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए। और जो भी लोग सेशन पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम के द्वारा या सभी पारदर्शी माध्यम पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा। सभी लोग आंसर को सही कर लीजिए, बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, कैसा होगा? वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, या फिर वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, कैसा होगा बताइए। बताइए फटाफट सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वस्तु से छोटा होगा लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा रानी आकांक्षा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी लोग आंसर लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने से संबंधित है? चलिए बताइए। कल जो सेशन आएगी वन लाइनर क्वेश्चंस के आएंगे, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ वन लाइनर क्वेश्चंस के आएंगे और 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप सभी को पसंद आता है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं उसे पोस्टपोन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप सबको पसंद नहीं आएगा तो बता दीजिएगा पहले, ठीक है। शिवम मिश्रा, आंसर लिखने में टाइम लगता है, आप टाइप भी कर सकते हैं, आप बोल के भी कर सकते हैं, ठीक है, आप बोल कर भी लिख सकते हैं। आपके जो मैसेज है ना, जहाँ पे आप लिखते हैं वहाँ पे देखिए आपका माइक का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप बोल के भी अपने आंसर को फीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, टेम्पोरल लोब, कौन सा? टेम्पोरल लोब, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। हवा में किसके कारण चांदी का क्षय होता है? हवा में किसके कारण चांदी का क्षय होता है? देखिए, ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, या नाइट्रोजन के कारण? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण चांदी का क्षय होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक अकार्बनिक यौगिक है और ये रंगहीन गैस होता है, याद रखिएगा, ये रंगहीन होता है, ठीक है। और इसका जो दुर्गंध आता है ना, वो सड़ा हुआ अंडे की तरह आता है। कैसा आता है? सड़ा हुआ अंडा की तरह, ठीक है। और ये वायु में नीली जो फ्लेम के साथ जलता है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही रेयर आपका एसिड है, जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S, क्या होता है? H2S, ठीक है, क्या होता है? H2S, ठीक है। और इसका याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कौन से, है ना, कौन से गैस का, ठीक है, या कौन सा वो अकार्बनिक यौगिक है जिसका गंध जो है वो सड़े हुए अंडे की तरह आता है, तो याद रखिएगा, होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या कह रहा है। ठोस अपशिष्ट को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं आपको, ठीक है, इसका आंसर आपको बॉक्स में करनी है जब सेशन एंड हो जाए, तो देखते हैं कितने लोग का सही आंसर यहां पे आता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, पहले मैं बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए, क्वेश्चन नंबर सिक्स,
क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा आंसर। आप सब इसका आंसर जो करना है आपको, आप या कमेंट बॉक्स में कीजिए या टेलीग्राम चैनल में कीजिएगा, ठीक है। चल आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड पैमाने का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? एंडर्स सेल्सियस, डेनियल ग्रेबियन फारेनहाइट, विलियम थॉम्सन या राइट ब्रदर्स, किसके द्वारा किया गया था? सेंटीग्रेड पैमाना किसके द्वारा खोजा गया था, आविष्कार किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है एंड्रस सेल्सियस, ठीक है। एंड्रस सेल्सियस इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्तनधारियों में किसके द्वारा निष्कासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। देखिए जो क्वेश्चन है ना, बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, और आप सब बोलते हैं बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाने को, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, और क्वेश्चंस हर क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, टाइप करने पड़ते हैं, फिल्टर करने होते हैं, है ना, इतना ईजी नहीं होता, लेकिन आप सबका जो सपोर्ट रहता है ना वो काफ़ी दर्दनाक होता है। आप सभी का जो होता है ना बिल्कुल बेदर्द की तरह आप करते हैं, कि आपका कोई किसी की जो एफर्ट है उसका इज्जत करना नहीं आता आपको, आप सब जो हैं बिल्कुल, जो उम्मीद करता हूँ आप सब सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? किडनी, क्या रहेगा? किडनी, ठीक है, किडनी इज द राइट आंसर, ठीक है, किडनी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे? किडनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिए फटाफट, कौन से हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है? कौन सा हार्मोन है जो कि दिल की धड़कन में वृद्धि करता है? चलिए बताइए, देखिए नीरज इलाहाबाद से जो आप बोल रहे हैं, मैं बता दूं आपको, अगर मैं आपका ग्रुप डी लेवल का या फिर छोटी जो क्वेश्चंस होती है ना, इजी क्वेश्चंस अगर लाऊं तो यही आप देखेंगे संख्या यहाँ पे 200 प्लस हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ वैसे क्वेश्चन देना आपको जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, लेकिन आप सब उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? थायरोक्सिन, क्या रहेगा? थायरोक्सिन, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे? थायरोक्सिन, याद रखिएगा थायरोक्सिन यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, थायरोक्सिन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, क्लियर। थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक है। ठीक है, और देखिए जो भी लोग नए जुड़े हैं सेशन के साथ, सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिएगा, ठीक है। और जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं, सुबह 8 बजे है, दोपहर 2 बजे, शाम 7:30 बजे और रात 10 बजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड व्हाट? चलिए बताइए क्या कहलाता है? ओरोलॉजी, क्या कहलाता है? ओरोलॉजी, ठीक है, ओरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर, क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑन्कोलॉजी नहीं यार, ऑन्कोलॉजी क्या है देखिए, अच्छा ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे बताया ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट एंड ट्यूमर्स, है ना, ट्यूमर्स, या फिर कह ले स्टडी ऑफ क्या,
कैंसर, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर कह ले या स्टडी ऑफ स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, है ना, ट्यूमर्स का भी जो कहते हैं ना उसका भी स्टडी अगर होता है तो आता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। वैसे हम सब क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है। वहीं अगर लिथोलॉजी की बात करते हैं तो क्या है भाई, लिथोलॉजी क्या है, लिथोलॉजी जो है वो क्या है, देखिए लिथोलॉजी क्या है, अगर किसी भी, ठीक है, अगर आप रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड लिथोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक्स यानी पत्थर की जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है, लिथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी आप सबको पता है या नहीं पता है, ऑर्निथोलॉजी क्या है, चट्टानों का अध्ययन यानी रॉक तो वही ना, है ना, पत्थर। चलिए ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड क्या है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम जो बर्ड्स होते हैं उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो संरचना है या उसका क्लासिफिकेशन है या उसका डेवलपमेंट जो होता है, उसका जो एवोल्यूशन होता है उसके बारे में और उसके दिनचर्या के बारे में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, क्लियर हो गया वो सभी, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, चलिए बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, निम्न से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, चलिए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप। सही आंसर यहाँ पे रहने वाला जो है वो रहेगा हाइड्रोजन, क्या रहेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। देखिए हाइड्रोजन की जो खोज है ना 1766 में हेनरी कैंडविस के द्वारा किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1766 में हेनरी कैंडविस के द्वारा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन नाम किसके द्वारा रखा गया है तो आपका जवाब क्या होगा, चलिए हम लोगों ने देखा हेनरी कैंडविस ने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी, लेकिन उसका नामकरण जो है ना उसने नहीं किया था, वो किसी और के द्वारा किया गया था, तो किसने किया था, चलिए बताइए, पता है तो बताइए अदरवाइज मैं बताऊंगा, ठीक है। पता है हाइड्रोजन जो है वो किसके द्वारा नाम रखा गया था, नहीं देखिए, देखिए यहाँ पे चीजों को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैंडविस ने किया था और उनके द्वारा लोहे पर, है ना, सल्फ्रिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया गया था और ज्वलनशील वायु नाम था, ठीक है। लेकिन 1883 में यानी 1883 में लेवेसिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जलकर ये क्या बनाता है, जल बनाता है। तो याद रखिएगा 1766 में हेनरी कैंडविस ने हाइड्रोजन की खोज की, लेकिन नामकरण जो किया वो किसने किया, लेवेसिए ने किया, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, निम्न से कौन सा हार्मोन पाचन रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है, चलिए बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपके एंड से। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे जहां से आपको पीडीएफ पर डे मिलता है, टेस्ट सीरीज के तौर पे आपको 12 बजे तक आंसर करने होते हैं और 2 बजे के बाद उसका आपको आंसर की मिल जाता है, जिसे आप मैच कर पाएंगे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यह मेरा काम है कहना, मेरा काम है आपके लिए वर्क करना, आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना, यू आर फ्री, वाट एवर यू वांट यू मे डू, बस मुझे जो लगा सही वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे भी एडवाइस जो फ्री की होती है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, है ना,
हमारे सेंस में। चलिए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, तो रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे सभी लोगों ने आंसर जो किया ना गलत है, यहाँ पे सही आंसर रहेगा सेक्रेटिन। याद रखिएगा जो हार्मोन पाचन रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है वह है सेक्रेटिन। क्या है? सेक्रेटिन। यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। किसी ने सही आंसर दिया है क्या? नहीं ना, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पैनक्रियाज की बात हुई है, अग्नाशय की बात हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 है। एंथोफोबिया किसका डर है? एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? किसका डर को हम एंथोफोबिया कहते हैं? चलिए चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? बॉस का नहीं, डॉग का भी नहीं, गलत जवाब है सभी का, सभी का गलत आंसर है। चलिए कुत्ता का नहीं है यार। ठीक है, चलिए आशीष कुमार ने आंसर किया, वेरी गुड। आलोक पाटी ने किया, वेरी गुड। ये किसका है? पुष्प का, फ्लावर का, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फूलों से डर जो लगता है वो कहलाता है एंथोफोबिया। क्या कहलाता है? एंथोफोबिया। ठीक है, चलिए अगला पर देखिए, प्रश्न संख्या 13 है। कुल मात्रा से कम वातावरण का सबसे बड़ा घटक क्या है? चलिए बताइए, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ लोअर एटमोसफेयर बाई टोटल वॉल्यूम? चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलिए और लोग आंसर कीजिए भाई। चलिए देखिए, हीलियम यहाँ पे आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वाटर वेपर भी, बहुत अच्छा, मतलब कुछ भी लगा देना है। वही तो कह रहा हूँ, जब ऑप्शंस मिलते हैं ना तुक्का लगाने में, यहाँ हमारे चैनल पे कोई पीछे नहीं रहते हैं, और वही अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो सब सन्नाटा हो जाते हैं। यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा ना वो रहेगा कौन सा? वो रहेगा आपका नाइट्रोजन। आपको पता है कि हमारे वातावरण में सबसे बड़ा जो घटक है वो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, शिवा भदौरिया अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, आप बहुत टाइम पे आई हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इलेक्ट्रिक केतली में जो पानी होता है वो किसके द्वारा गर्म हो जाता है? आपने इलेक्ट्रिक केटल देखा है, उसमें आप दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो किसके माध्यम से वो गर्म होता है? चलिए चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। कन्वेक्शन, बहुत अच्छा कुमुद, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जिसको हम बोलते हैं संवहन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो सही रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, कन्वेक्शन, यानी जिसे संवहन कहते हैं, संवहन इज द राइट आंसर। ठीक है, संवहन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 किलो पदार्थ के बराबर ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? क्या कह रहा है? द इनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 kg सब्सटेंस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। चलिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? देखिए, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आपके चैट बॉक्स में लिंक फ्लैक्स कर रहा है, उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप पीडीएफ और अपने क्वेरी को रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके चैट बॉक्स में फ्लैश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 10^17 जूल। क्या रहेगा? 7 नहीं यार, 10^17 जूल। ठीक है, 10^17 जूल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। याद रखिएगा 10^17 जूल, 1 किलो पदार्थ किसके बराबर ऊर्जा होती है? तो होता है 10^17 जूल।
तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज का यहाँ पे सीरीज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जो सेशन था यहाँ पे एंड होता है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, कल सुबह 8 बजे सेशन होगी, उसमें हम सब सीटेट के लिए एक स्पेशल क्लास ला रहे हैं आप सभी के लिए। जब तक सीटेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको पर डे मिलेगा सुबह 8 AM में। और कल आप सभी को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जुड़े क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ, PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिला करेगा, ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, सुबह 8 बजे ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह नहीं बल्कि आप दोपहर में 2 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 2 बजे जो होगा उसमें हम सब ज्योग्राफी के पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लुसेंट, स्पीडी, अरिहंत और किरण से जो भी निचोड़ निकलता है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके देखने के बाद आपको अलग से लुसेंट को पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्पीडी को नहीं पढ़ना पड़ेगा, अरिहंत को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। और रात 10:30 बजे, ठीक है, सॉरी 7 बजे शाम में, 7:30 बजे जो है ना, 7:30 शाम में सेशन जो होगी वो इंग्लिश की होगी। तो उम्मीद करता हूँ कल सेशन हो पाएगी अगर सब चीज़ अच्छी रही तो, नहीं तो 10 बजे जो सेशन है वो हमारे द्वारा होगा आपका, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। कल 10 बजे जो सेशन होगी रात में, उसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो 2 बजे और 10 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सुबह 8 बजे जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे। और उम्मीद करता हूँ आप सब सेशन को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने लोगों को सेशन पसंद आता है आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।